हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक यूनिक तरीके से थाल पोज बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत इजी है और बहुत ही कम टाइम में आप 5 मिनट में इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक सा है फ्रेंड। इसके बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये चौड़े वाले लैस लिए हुए हैं, जो कि ये सिल्वर कलर का है, और लैस मैंने यहाँ पर 4 मीटर लिए हुए हैं फ्रेंड। और ये मैंने सॉटन का कपड़ा रेड कलर का लिया हुआ है, टोमेटो रेड कलर का, जो कि 1 मीटर का था, और मैंने इसको गोल कटिंग कर ली है इसकी। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं उसकी कटिंग की, चौकोर भी बना सकते हैं, अंडाकार भी, कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गोल कटिंग की है फ्रेंड। और ये मैंने सिल्वर, देखिए सिल्वर कलर की चौड़ी वाली लेस ली है, मैं इसको साइड साइड में लगाऊँगी चारों तरफ। और मैंने ये गोल्डन कलर की भी लेस ली है फ्रेंड, ये तो मेरा सिर्फ 1 ही मीटर या आधे मीटर में ही हो जाएगा ये लेस। ये लेस मैंने लिया है फ्रेंड, बीच में मैं या तो स्वास्तिक बनाऊंगी या तो ओम बनाऊंगी, आप चाहें जो भी बनाएं बीच में, कोई भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्वास्तिक बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये गोल्डन कलर का लेस लिया हुआ है और ये साइड साइड में सिल्वर कलर का लगाना है। मैं बता रही हूँ फ्रेंड आप कैसे इसको लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको देखिए फ्रेंड ऐसे रखना है, और ये देखिए एकदम साइड में रखते हुए, और आप इसकी स्टिचिंग करते हुए चले जाएंगे चौफेर। और जब भी फ्रेंड आप स्टिचिंग करेंगे तो आधा आधा इंच देखिए ऐसे आपने ऐसे मोड़ के स्टिचिंग करनी है, ताकि हमारे ये यहाँ पे रिंकल्स ना आए चौफेर में लगाते समय। और हमने ये, मैं ये बहुत बड़ा बना रही हूँ फ्रेंड, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखेगा आप लोगों को, आप इसका छोटा भी बना सकते हैं। आपने ऐसे चौफेर इसको ऐसे करना है, और ये बीच में मैंने फ्रेंड यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है। आप चाहे तो पहले ही स्वास्तिक यहाँ पे स्केच से या स्पार्कल से बना ले, उसका शेप दे दें, तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बनाऊंगी। और इसको स्वास्तिक को बनाने के लिए मैंने इसकी देखिए ऐसे लंबाई में मुझे बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड। ये देखिए मुझे इतना बड़ा बड़ा बनाना है, तो मुझे इसकी इसी के बराबर मुझे ये देखिए एक और यहाँ पे कटिंग करनी है। ये मैंने सॉटन का कपड़ा लिया हुआ है फ्रेंड, आप चाहें तो वेलवेट के भी कपड़े पे बना सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए ऐसे हमने स्वास्तिक बनाना है, इसमें आप चाहे तो ग्लू गम से भी इसको चिपका सकते हैं फ्रेंड, लेकिन ये मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी ताकि ये कभी खुले ना। ये देखिए आप ऐसे नाप के इसकी कटिंग कर लें फ्रेंड, ताकि ये चारों बराबर रहें। बहुत इजी है फ्रेंड, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे, और जहाँ ना समझ में आए आप लोग ज़रूर पूछें फ्रेंड। एक चीज़ याद रखें फ्रेंड, आप चारों बराबर में ही कट करें। ये देखिए फ्रेंड कितना प्यारा लग रहा है मेरा ये बनकर, जब ये कंप्लीट होगा फ्रेंड, अब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी, और ये इसके भी इसको भी लगा के स्टिचिंग करनी है। और याद रहे फ्रेंड, जब भी आप इसकी स्टिचिंग करें तो आधे आधे, ये देखिए आधे आधे इंच पे मोड़ के ही स्टिचिंग करते जाए यहाँ से चारों तरफ, ताकि ये हमारा रिंकल्स ना आए और मुड़े ना बीच में फ्रेंड। अब मैं इसको कम्प्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, देखिए ये मैंने साइड साइड में इसको लगा लिया है। ये देखिए जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आधा आधा इंच मोड़ के फिर आपने सिलाई करना है, ताकि यहाँ पे हमारा ये रिंकल्स ना आए।
और बीच में हमने स्वास्तिक बनाया। फ्रेंड आप चाहें तो यहाँ बीच में कोई स्टोन भी लगा सकते हैं और इधर साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल बनाया है और बहुत ही प्यारा, बहुत जल्दी बनता है। फ्रेंड अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड, तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर